हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन इस सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब भी आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी, इस तरीके से ऑफ हो गया आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन, तो अगर आपके मोबाइल फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगी, ठीक है। ये सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके फोन में, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है ना ये बता देता हूँ कि कैसे आप जो है इस वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये नीचे ऑप्शन शो हो जाता है, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।